आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी दूंगा जिसमें व्यक्ति अध्यात्म में जुड़ तो जाता है, मेहनत तो करता है, पर वो तरक्की नहीं हासिल कर पाता है या अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाता है या अपना कुंडली जागरण नहीं कर पाता है और कोई भी सिद्धि धारण नहीं कर पाता है, पर वो ईमानदारी से जाप करता है, मेहनत करता है, कठोर तप करता है और ब्रह्मचर्य में रह करके जप संख्या इतनी भारी मात्रा में कर लेता, उसके बावजूद भी आपको फल नहीं मिलता है, तो क्या कारण होता है आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू। दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं लोगों के अंदर जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है, पर उसको ये चीज़ पता नहीं होती है, इसीलिए वो एक गुरु का चुनाव करता है, गुरु को पकड़ता है, जो गुरु पहले उसके सिस्टम को सही करे, ना कि पहले ही उसको सिद्धि साधनाएं या फिर मंत्र विधान देना चालू कर दे। ठीक है, अगर कोई एक्चुअल रियल का गुरु होगा जिसको तंत्र की अच्छी खासी नॉलेज होगी, जानकारी होगी और उसको अध्यात्म के बारे में, उसको कुंडलिनी जागरण के बारे में, उसको सातों चक्रास के बारे में और उन चक्रासों के क्या कार्य होते हैं, किन चक्रास पे कौन से देवता देवी बैठते हैं, तो वो सारी जानकारी अगर उसको होगी तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले आपके बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करेगा, ना कि आपको ही मंत्र दे दिया, विधान दे दिया और आपको लगे पूजा करवाने के लिए, लगे सिद्धि करवाने के लिए। जब जहाँ से मेन ब्लॉकेज है, अगर वो ब्लॉकेज ही लगा रहेगा तो आप चाहे सैकड़ों सिद्धि करिए डालिए, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इसी चर्चा पे आज मैं विषय पे थोड़ा सा बात करूँगा, क्योंकि YouTube पर मैंने देखा है कि जितने भी 90% लोग जितने भी हैं वो इधर उधर केवल सिद्धि साधना के चक्कर में भागते हैं, उनको यही नहीं पता है कि उनके घर की कुल देवी देवता कौन है, उनके घर के पितर शांत हैं या बंधन में हैं या तांत्रिक क्रिया द्वारा रुष्ट हो गए या किसी चीज़ में बंधेज में कर दिए गए हैं, उनको ये सब किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं रहता है। तो और उसके बाद फिर उनके ईष्ट कौन से हैं, उनको किस देवी की या किस देवता की उपासना करनी चाहिए जिसके वजह से वो तरक्की कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं अध्यात्म में। तो दोस्तों बात क्या है कि व्यक्ति जब अध्यात्म में आता है तो सबसे पहले उसको कुछ नहीं, मेडिटेशन, त्राटक और केवल अच्छे कार्य, ये सारे कार्य अगर व्यक्ति करता है, अच्छे से करता है, तो यकीन मानिए कि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होगी उसके शरीर के अंदर। प्लस उसके कुल देवी देवता कैसे हैं, उसके कुल देवी देवता पता हैं कि नहीं है, टच में हैं कि नहीं है, ठीक। दूसरे इनके पितर जो मेन होते हैं, अगर पितर आपके अशांत हैं या बंधन में हैं तो आप जिंदगी भर जप कर लीजिए, जिंदगी भर आप सिद्धियां कर लीजिए, कभी आपको तरक्की मिल ही नहीं सकती है, समझ गए। पितरों का निवारण पे भी मैं बताऊंगा या फिर अगली वीडियो में बता दूंगा कुल देवी देवता को। अगर आपके कुल देवी देवता नहीं है या फिर आपको है भी और पता नहीं है तो अपने कुल देवी देवता को कैसे स्थापित करें अपने घर पे, केवल एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से दूसरा वीडियो बनेगा। पितर को अगर पितृ शांति आपको करानी है या पितर आपके बंधन में है तो उनको कैसे मुक्त करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियोज में मिल जाएंगी। चौथा आपको है, तीसरा आपको है कि आपके अगर पितृदोष से आप ग्रसित हैं, अगर वो बंधन में हैं, तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, समझ गए। या फिर हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ें भी सही हो, उसके बाद इंगला पिंगला जो दो नाड़ियां होती हैं उसमें क्या मानते हैं कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है, जैसे कि आदिशक्ति होते हैं तो उसमें मेल होता है फीमेल होता है, तो पता लगा कि आपको जो मतलब कि एक तरीके से सूट करने की एनर्जी होती है वो मेल एनर्जी है, आप कर रहे हो फीमेल एनर्जी, आप कर रहे हो नवा मंत्र जबकि आपको फायदा करेगा ओम नमः शिवाय। बहुत से लोगों के अंदर ये भी दिक्कतें आ जाती हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं या वो भ्रमित हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ओम नमः शिवाय का सूट कर रहा हो और आप नवाड़ा मंत्र कर रहे हैं, और जो मान लीजिए कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है उसको कभी कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वही नवाड़ा मंत्र एक माला कर रहा है तो उसको वही चीज़ की वाइब्रेशंस आ गई है, उसके चक्राज में एक तरीके से एनर्जी का प्रवाह होने लगा, समझ गए।
तो ये सारी चीज़ों हैं। तो मेन क्या है कि पितरों की जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों को हल करके रखनी चाहिए, कुल देवी देवता की जो भी समस्या है उसको हल करके रखना चाहिए, अपने ईष्ट का पूजन, अपने ईष्ट का पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं करते हैं तो एकमात्र रास्ता आप लोगों के लिए ये है कि आप बौद्ध धर्म, समझ गए, आप बौद्ध धर्म को मानना चालू कर दीजिए या फिर अपने उनकी विचारधारा पे आप आ जाइए, अडिग हो जाइए, जो केवल मेडिटेशन है, केवल ध्यान है, समझ गए। तो ये चीज़ कर सकते हैं अगर अध्यात्म में आना है तो, समझ गए, क्योंकि अध्यात्म में दोनों तरीके से है पर फोकस ज़रूरी है कि आप मान के चलिए कि ये है वो है, कुछ हो ही नहीं रहा है आपके साथ। क्यों? क्योंकि भैया आपके कुल देवी देवता ही परेशान है, आपके पितर ही रुष्ट है, क्योंकि पितर जब रुष्ट हो जाते हैं तो वो ना आपको तरक्की करने देंगे, ना कभी कोई चीज़ में आगे बढ़ने देंगे, ना कोई कार्य बनने देंगे, घर में बीमारियां लगी रहेंगी एक ना एक को, समझ गए। तो पितरों का निवारण सबसे अनिवार्य है। साल में एक बार उनका दिन आता है पितृ पितरपक्ष, उसमें आप उनका जो भी अनुष्ठान हो, जो भी पूजा अर्पण हो वो आप करवा करके इससे मुक्ति पाइए। और ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम है, आपके घर में नेगेटिविटी है, तो घर में आपको लोबान की धुनी करते रहना चाहिए और आपको हवन प्रक्रिया अमावस्या या पूर्णिमा को करते रहना चाहिए, समझ गए। हमारे यहाँ कुल देवी देवता, जो हमारे कुल देवता का मंदिर है गुरु गोरक्षनाथ बाबा का, तो उसमें क्या है, पूर्णमासी और अमावस्या और हर मंगलवार और हर इतवार, समझ गए। तो ये क्या है, उस दिन हवन ज़रूर होता है, ज़रूर किया जाता है, ज़रूर आहुतियाँ डाली जाती हैं। जो भी व्यक्ति आ सकता है, उनके पितरों की जो भी समस्या होती है, उनके ऊपर जो भी भूत प्रेत बाधा होती है या फिर किसी प्रकार का जो दोष लगा होता है या नवग्रह संबंधित कोई भी दोष लगा होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आहुतियों के माध्यम से जब आप हवन प्रक्रिया करते हो तो उसमें वो दोष से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। अब वो अगर आप लगातार हवन करते जाते हो, रूटीन में डाल लेते हो उस चीज़ को कि हर अमावस्या पूर्णिमा आपको हवन करना है, ये करना वो करना, तो उससे क्या है, आपके रूटीन बन जाएगा और सारा सिस्टम आपका धीरे 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 सही होने लग जाएगा। जब सिस्टम सी धीरे धीरे सही होना है तो आप एक माला भी अगर जाप करोगे या कोई भी सिद्धि करोगे, चाहे वो 11 दिन की हो, चाहे एक दिन की, चाहे 21 दिन की हो, वो आपकी सिद्धि सफल होगी। सफल होने के बाद आपका वो स्थान ग्रहण करेगी। सिद्धि क्या करती है, सिद्धियां भी कई तरीके से कार्य करती हैं, या तो आपके आज्ञा चक्र को खोल सकती है, या आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान हो सकती है, या आपके जितने भी चक्राज हैं उनमें से जो ब्लॉकेज है उसको हटा सकती है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आया था, क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, भैया जी हमें तरक्की नहीं हो रही है, हम तो 100-100 माला रोज़ कर रहे हैं, 200-200 माला हम कर देते हैं, कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही। सब कहते हैं यहाँ पे आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होती है, कंधे में होती है, पीठ में होती है, सर में भारीपन होता है। भाई साहब, जब मान के चलिए आपकी दो गलतियाँ हो सकती हैं, या तो आपके पितृ में प्रॉब्लम है, पितृ कुल देवी देवता में प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप इंगला पिंगला को पकड़ कर चलिए, जो सांप जैसे ऐसे ऊपर उठती है, समझ गए। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक भोलेनाथ का सूचक, एक महाशक्ति का सूचक है, समझ गए। तो मान लीजिए आप नवाड़ा मंत्र कर रहे हो पर सूट कर रहा है आपको भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, तो बदल कर देखिए, अगर बदल कर देखते हैं उसमें लाभ मिलता है तो उसको ही पकड़ कर चलिए। मंत्र पर एक ही पकड़ कर चलिए, कोई उसमें बदलाव नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप नवाण मंत्र कर रहे हैं, अगर आपको नवाण मंत्र से आज तक अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है, पर वो जो जब आपका है ये आज नहीं आपको फल दे रहा, पर मरने के बाद आपको ये फल ज़रूर देगा, समझ गए। वैसे ही अगर आप ओम नमः शिवाय करने लगेंगे, आपको उससे फलीभूत हो रहे हो, उसकी प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हो, तो उसको आप जब करते रहिए, उसी से ही आपका सारा सिस्टम, आपके सातों चक्रास आपके खुल जाएंगे, आपकी दृष्टि प्रदान हो जाएगी, आपके अंदर ब्रह्मांड को समझने की क्षमता आ जाएगी, आपका जो ज्ञान चक्र है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको फंक्शंस अनलॉक हो जाएंगे, जिससे कि आप सारी चीज़ों को समझने लग जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, आप अपना मानसिक जाप भी कर सकते हो, अपनी सिद्धियों के माध्यम से भी अपना आंतरिक जाप, जो उसको बोलते हैं कि आपने एक सिद्धि को लगा दिया केवल जाप करने के लिए, कि तुम बैठोगे कल तुम जाप करोगे मेरे लिए, तो वो भी कर सकते हो। वो सारे फंक्शन से जब आपकी दृष्टि खुलती है उस माध्यम से आपको पता चलता है। ऐसे आप नहीं कर पाओगे, ऐसे आपको केवल आँख बंद करोगे केवल आँख में काला दिखेगा,
समझ गया, और कुछ भी नहीं दिखेगा। पर जब आंख बंद करोगे, जब दृष्टि आपको खुलेगी, तो एक स्क्रीन टाइप की बड़ी सी चौकोर टाइप की आपको दिखेगी, या किसी किसी की गोल होती है, या किसी किसी के ट्रायंगल में होती है, या किसी की बलून टाइप के ऐसे 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 फ्लावर जैसी होती है, समझ गए। तो वो आपकी मेहनत पर है, आपके तपोबल पर है। तो सिद्धि साधना के चक्कर में मत पड़िए, पहले अपनी दृष्टि खोलने के उससे रहिए, क्योंकि अगर आप जब सूक्ष्म जगत को देख ही नहीं पाओगे तो क्या अंधे बन के वहाँ पे सिद्धि साधना चलाओगे, समझ गए। तो पहले आप अपनी आंखें तो खोलो अध्यात्म जगत की, अपना थर्ड आई तो खोलो, जब वो खुल जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें समझने लग जाओगे। पता लगा कोई भी तुमको कोई भी सिद्धि दे रहा है, साधना का मंत्र दे रहा है, तुम उसको कर रहे हो, तो तुम्हें तो पता चल जाएगा ना कि हाँ मेरी साधना कितनी फलीभूत हो रही है, या कितनी सही चल रही है, कितनी पावर उसमें है, कितनी सिद्धियाँ उसमें आई हैं, या कितनी दिन की मैं और कर सकता हूँ जिससे कि ये पूर्ण हो जाए। जब आपको ये सब दिखना चालू हो जाएगा, समझना चालू हो जाएगा, तभी तो आप कर पाओगे ना आगे प्रोग्रेस। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाने के लिए सोचा था, और अगर कुछ लोगों को मेरी बातें ऊपर से निकल गई हो तो निकल जाएं, क्योंकि इतना बेसिक से नीचे हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।